गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में नारियल के कुछ फ़ायदों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जब यही नारियल का पानी कुदरती रूप से सूख जाता है तो यह सूखे नारियल या गिरी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गिरी या सूखा नारियल होता है इसके भी अनेकों फायदे होते हैं। इससे हम तेल भी बनाते हैं और बहुत सारे व्यंजनों में और मिष्ठानों में भी इसका उपयोग करते हैं। कई लोग इसे सूखा खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब इसका पानी सूख जाता है तो इसमें बहुत मीठापन आ जाता है। इस सूखा नारियल का बहुत सारा फ़ायदा है और जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान तो कुछ ना कुछ पर्सन टू पर्सन डिफर करते हुए होता ही है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके सूखे नारियल गिरी के कुछ फ़ायदे और नुकसान। चलिए सबसे पहले जानते हैं गिरी में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में। सूखी नारियल में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, सेल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और फाइबर की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सूखा नारियल हमारे दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो ये इसमें जो डाइट्री फाइबर पाया जाता है यह हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है और साथ में हमारे शरीर में जो फाइबर की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करने का कार्य करता है। सूखे नारियल से हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसमें जो सेल्शियम पाया जाता है ये इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करता है, साथ में ये बहुत सारी बीमारियों को बचाते हुए हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। बढ़ती उम्र के साथ अल्जाइमर एक आम समस्या है, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी। सूखा नारियल खाने से आपका दिमाग फुर्तीला और तेज होता है, जिससे आपकी ये जो भूलने की बीमारी है वह भी दूर होगी। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है जो बूढ़े हैं, उन्हें जरूर दें सूखा नारियल, इससे उनका दिमाग स्वस्थ और तेज फुर्तीला बना रहेगा। एक शोध के मुताबिक सूखे नारियल में मौजूद पोषक तत्व हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी रक्षा करते हैं। अगर आप रोजाना सूखे नारियल का सेवन करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आज से ही सूखे नारियल को अपने डाइट में शामिल कीजिए। बवासीर का इलाज, बवासीर का इलाज सूखे नारियल से संभव है। सूखा नारियल में मौजूद जो डाइट्री फाइबर होते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, हमें ना ही केवल कब्ज से निजात दिलाते हैं बल्कि बवासीर और खूनी दस्त जैसी गंभीर समस्या से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं। सूखा नारियल जो थायराइड के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह थायराइड के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने में तो हेल्प करता ही है, साथ में उसके हार्मोन के सिक्रेशन का भी नियंत्रण करने में हेल्प करता है। तो सूखा नारियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड पेशेंट। जिस तरह हर चीज़ के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सूखे नारियल के अनेकों फ़ायदों के साथ में कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए सूखे नारियल के नुकसान के बारे में जानते हैं। यह वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर शरीर की एक नियमित चर्या होती है, नियमित बनावट होती है, उनका अंदर का एक किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस होता है ना। तो उसी प्रोसेस के तहत किन्हीं लोगों को जब वो सूखा नारियल खाते हैं तो उन्हें पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार कई लोगों को ब्लॉटिंग हो जाता है, कई लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और किसी किसी का पेट फूल जाता है। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिक लोगों को होती है, ऐसा नहीं है कि सभी को होती है, लेकिन कुछ लोगों को होती है ऐसी प्रॉब्लम। तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम होती है थोड़ा अवॉइड कीजिए, है ना। आप सूखा नारियल ना खा के नॉर्मल नारियल खाइए, नारियल पानी पीजिए, उनसे फ़ायदा लीजिए। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं जो सूखा नारियल होता है उसमें ऑयल तो होता है ना, थोड़ी बहुत शुगर की मात्रा भी रहती है। तो हमें हमारे मोटापा को ध्यान में रख के थोड़ी मात्रा में उसे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूखा नारियल फ़ायदा करता है तो हम ह्यूज अमाउंट में खा लिए तो भी मोटे हो जाएंगे, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें इन्हें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी और आप मेरे चैनल को
फॉलो ज़रूर करते होंगे। आपको अगर मेरे से कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की क्यूरीज ज़रूर दूर करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।